हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं एक ही मोबाइल में दो नंबरों से हम दो व्हाट्सएप का यूज किस तरीके से कर सकते हैं, आज की इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक्चुअली में ट्रिक काम किस तरीके से करती है, जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आपकी इंस्टाग्राम आईडी दो है, तो वहाँ पर आप दोनों ही आईडी को चला सकते हैं। इसी तरीके से आप व्हाट्सएप में भी दोनों ही आईडी को चला सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किस तरीके से इस ट्रिक का यूज करना है और किस तरीके से आखिर हम व्हाट्सएप में एक ही व्हाट्सएप में दो नंबर से यूज करके और हम एक ही व्हाट्सएप में दो व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर थ्री डॉट पर सिंपली क्लिक करूँगा और उसके बाद में हमें स्विच अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये मेरा दूसरा व्हाट्सएप यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले इसे डिलीट करूँगा एक व्हाट्सएप के लिए और उसके बाद में मैं आपको इसमें जोड़ के भी दिखाऊँगा दूसरा व्हाट्सएप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थ्री डॉट पर सिंपली क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर ये आइकन देखने को मिल जाए, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। नीचे आपको दो यहाँ पर अकाउंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जौन सा भी अकाउंट आपको यहाँ पर ऐड करना है वो सिंपली ऐड कर लेंगे। मैं पहले वाले को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में अकाउंट पे जाएंगे, अकाउंट पे जाने के बाद हमें मिल जाएगा डिलीट अकाउंट या फिर रिमूव अकाउंट। तो हम यहाँ पर रिमूव अकाउंट पर सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अगर आप चैट को बैकअप लेना चाहें तो आप यहाँ पर गो टू चैट बैकअप, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और बैकअप पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे तो जो भी आपकी चैट होगी वो यहाँ पर बैकअप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको बैक करना है और आपको यहाँ से अकाउंट को रिमूव कर देना है। तो जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। अब आप यहाँ पर स्विच अकाउंट का ऑप्शन नहीं आता होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद में हम सेटिंग्स पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक जो अकाउंट है हमारा यहाँ पर हट चुका है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको अकाउंट यहाँ पर ऐड करना है तो वो आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिल ही रहा है, तो आपको ऐड अकाउंट पर सिंपली क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, यहाँ पर हम नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। अगर आपने 14 दिन के अंदर अंदर आपने यहाँ पर अकाउंट आपने इसमें ऐड कर रखा होगा तो आपको यहाँ पर वेरीफिकेशन करने के लिए आपको OTP देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ और आप यहां पर देख सकते हैं सिंपली मैंने क्लिक किया, मुझे यहां पर किसी भी तरीके का OTP देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो भी चैट हुई है मैं अपने अकाउंट में यहां पर बैकअप ले रहा हूं और यहां पर देख सकते हैं जो मैसेज हैं 670 मैसेज हैं। और उसके बाद में हम बैक करेंगे और यहां पर नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पर अटैच हो चुका है, हम नेवर पर सिंपली क्लिक कर देंगे, डन कर देंगे। उसके बाद में हम थ्री डॉट पर सिंपली क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे और आप यहां पर देखेंगे दोनों अकाउंट आ चुके हैं। ठीक है, अब जौन सा भी अकाउंट आपको यूज करना है उस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और आप यहां पर बहुत ही आराम से आप एक ही मोबाइल में दो नंबर से आप व्हाट्सएप चला सकते हैं दोनों को अकाउंट बनाकर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर ये ट्रिक आपको पता थी तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं ना इस वीडियोज़ में।